मोदी, आप कह रहे कि मोदी सरकार आने से मुसलमान इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार आने से मुसलमान इनसिक्योरिटी फील करना चाह रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार में गुंडा राज, गुंडागिर्दी, चोरी चमारी और रस्ते पे हमने तो कभी नहीं देखा कि लोगों को इस तरह मार दिया जाता था और सरकार चुप बैठी है। चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। जैसे कि आपने कहा कि आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, जैसे आपने बिग बॉस में सलमान खान के साथ किया था, तो आपको सलमान खान ने कभी सपोर्ट नहीं किया? नहीं यार, सलमान भाई कर रहे हैं, औबाद खान को सपोर्ट किया उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, मुझे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब अभी तक नहीं किया ना आपने? नहीं अभी तक तो नहीं किया, उन्होंने वादे बहुत किए, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन सपोर्ट अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ यार। और देखो ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका दिल करे तो सपोर्ट करे, ना करे तो ना करे। भाई वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, अभी मैंने वीडियो निर्माण किया जिसमें मैंने 40-50 वीडियो आपके देखे, उसमें मैंने एक बंदा देखा जो इलाहाबाद का है, तो हाथ में गन लिए हुए हैं, मिस्टर दुबे। अरे वो दुबे दूसरे दिन सॉरी वॉरी बोल दिया, पागल है बेचारा, उसको उसके एमएलए का किसी का वो है, उसको एमएलए ने बोला होगा कि ऐसा बोल दे, मेरे खिलाफ तो ऐसे बहुत वीडियो है यार, तो मैं तो हीरो आदमी हूँ, नेशनल हीरो हूँ, मेरे खिलाफ तो वीडियो बनते रहेंगे, चलने दो। मेरे हिसाब से बाहुबली देख के इंडस्ट्री की ट्यूबलाइट जली होगी बॉलीवुड की, के सबसे बड़े स्टार तो वो लोग हैं, इतने सिक्योर, सेक्युलर, इतने अच्छे, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री में जब कोई सीनियर आता है तो जूनियर खड़ा हो जाता है, वहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत है, वहाँ पे इज्जत बहुत है, हमारे बॉलीवुड में सीनियर जूनियर की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ जो मार्केट में चल रहा है उसकी इज्जत रहती है, जो स्टार है उसकी चाटी जाती है, बाद में वो फ्लॉप होता है तो उसको कान के नीचे भगा के भगा देते हैं। देखिए ना हमारा विवेक मिश्रा क्या इतना बड़ा हीरो था, सुभाष घई लॉन्च किए थे उसको, इलू इलू क्या है ये इलू इलू, ऐसे कई स्टार, अविनाश वधावन, ये वो सब लोगों को लोग भूल जाते हैं भाई, राजेश खन्ना को भूल गए, उनका बंगला बिक गया, तो ये सबको भूल जाते हैं भाई। सर रीमा लागू अभी नहीं गई हमारे पास, नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े एक्टर? रीमा लागू जी को यही कहूँगा कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और बहुत अच्छा उनका योगदान है बॉलीवुड में, बस खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। सर एक आखिरी सवाल, कुलभूषण जी को इंटरनेशनल कोर्ट ने खुद हैंग करने से मना कर दिया, पाकिस्तान एक बड़ी हार मानी जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि कुलभूषण जी जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, उनको फांसी नहीं हो रही है, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारी जीत है, और उनके घर वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि बस इंशाल्लाह आपके घर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। कुलभूषण जी पाकिस्तान से लगातार हमारे साथ बात होते जाते हैं, लेकिन हम बॉलीवुड है, पाकिस्तान एक्टर को देते ही है काम, चाहे वो हिंदी मीडियम में देखिए, हिंदी मीडियम में भी अभी दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यार छोड़ो यार, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा सच बोलते हैं। यार मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई दो तो फिर पूरी तरह दो, या मत दो, ये इस तरह से बांटो मत कि एक कहता है कि मत दो, एक कहता है मत दो, मत करो यार, मतलब जो होता है होने दो और जैसा होता है होने दो, आप इसमें हम क्या करें, ये मोदी जी को पूछो, सब मोदी के हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है। आखिर में फिल्म आपकी कब आने वाली है?